In the name of Allah, who is the most bountiful and the most beneficent. Assalamu alaikum to all. This is Ms. Habiba from Little Master Model School. Today we do our third lesson for class 9th. This is your chapter number 17. Responsibilities of a good citizen. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन यानी एक अच्छे शहरी की का माशरे में उसका क्या फ़र्ज है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि शहरी क्या होता है। शहरी वो होता है जो एक शहर से रिलेट करता है, एक शहर के रहने वाला है। तो शहरी की क्या खूबियाँ होनी चाहिए एक अच्छे शहरी की, वो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। एक अच्छा शहरी वो होता है जो अपने मुल्क से वफादार है, अपने माशरे से वफादार है, अपने ख़ानदान से वफादार है, लॉ एंड ऑर्डर पर अमल करे और इसके अलावा वो किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुँचे और दूसरे की के लिए तकलीफ का बाइस भी ना बने। एक अच्छा शहरी ही एक अच्छा मुसलमान भी हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर। बिफोर वी डिस्कस व्हाट अ गुड सिटीजन, इससे पहले कि हम ये बहस करें कि एक अच्छा शहरी कौन होता है और टू सोसाइटी कि एक अच्छे शहरी की क्या के माशरे के ऊपर एक अच्छे शहरी के जिम्मे माशरे का कौन सा फ़र्ज है, इससे पहले कि हम ये बात को डिस्कस करें या बहस करें कि एक अच्छे शहरी के जिम्मे माशरे का कौन सा फ़र्ज है, यानी वो करना है उसने माशरे की तरफ क्या फ़राइज अदा करने, लेट अस सी व्हाट सोसाइटी डज फॉर हिम। हमें ये देखना चाहिए कि माशरा उसके लिए क्या करता है। Thousands of years ago, men lived in caves like animals. हजारों साल पहले इंसान रहते थे जानवरों की तरह गारों में। Each one of them lived by himself and for himself. हर एक तन तनहा रहता था और अपने लिए जिंदा रहता था। They hunted for their food and lived hard lives. वो अपने लिए ही शिकार करते थे, यानी अपने खुराक के लिए शिकार करते थे और तनहा और सख्त जिंदगी गुजारते थे। We now call them savage. हम इनको अब सैवेज यानी कि गैर महज़ब या वैशी कहते हैं। They learn to live a safer and better life together. इन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता मिलजुल कर जिंदगी को कैसे बेहतर करना है या महफूज करना है फिर सीखा। At first, सबसे पहले they begin to live in families. सबसे पहले इन्होंने families में रहना शुरू किया। And then in tribes. उसके बाद इन्होंने tribes कबीलों में रहना शुरू किया। लेटर बाद में दिस सेटल्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, इसके बाद इन्होंने अपनी रहाइश बना दी जो रिवर होते हैं दरियाओं के किनारे, वहां पे आबाद होनी शुरू हुई। वेयर इन टाइम ग्रू टाउन्स लार्ज एंड स्मॉल, और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इनके कस्बे बनने शुरू हुए छोटे बड़े छोटे से बड़े। लाइफ बिकम सेफर एंड ईजियर, और जिंदगी थोड़ी आसान और महफूज होने लगी। सम मैन बिगेन फार्मिंग द लैंड, कुछ लोगों ने खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। सम बिकेम वीवर्स, कुछ वीवर्स बन गए यानी जुलाहे जो खड्डी पे कपड़ों का काम करते हैं। सम मेसन, कुछ मेसन यानी कि कारीगर बन गए मेमार लकड़ी का काम करने वाले। सम कॉबलर्स, कुछ मोची, एंड सम सोल्जर, और कुछ सिपाही। दे ऑल वर्क फॉर वन अनदर, वो तमाम लोग काम करते थे एक दूसरे के लिए। यानी पहले यहाँ पे ये समझाना मकसूद है कि यहाँ पे ये लोग इस तरह जिंदगी गुजार रहे थे कि पहले इन्होंने छोटे छोटे कबाइल खानदान पहले इनके बड़े, फिर उसके बाद इन्होंने कबाइल की तरफ तरक्की की, फिर ऐसा ऐसा इस तरह हुआ कि सब एक दूसरे के काम आने लगे। यानी कि मीन मोची अगर कोई काम कर रहा है तो वो किसी का अगर किसी जूता सी के दे रहा है तो वो उसकी जगह उससे, अगर वो चलाहा है तो वो उससे अपना कोई कपड़े वपड़े का काम करवा रहा है। इस तरह ये लोग इस एक दूसरे के काम आते थे। जैसे कि अगर कोई मेसन है कारीगर है वो अगर अपना कोई काम कर लकड़ी का काम करके दे रहा है किसी के घर का, तो वो खेतीबाड़ी वाले से फार्मिंग जो काश्तकारी कर रहे हैं उनसे सब्जी वगैरह ले सकते हैं। तो यानी ये बार्टर सिस्टम ये होता था पहले ज़माने में, बार्टर सिस्टम चलता था क्योंकि मनी का तो कोई तसव्वुर नहीं था, तो वो बार्टर सिस्टम के तहत चलाते थे अपना जो भी कारोबार है रोजगार जिंदगी, वो इस तरह चलाते थे कि बार्टर सिस्टम किया जाता था कि चीज़ के बदले चीज़। अगर मेरे पास आटा है तो मैं आटा देकर आपसे चावल ले सकती हूँ,
इस तरह वो बार्टर सिस्टम के तहत अपनी जिंदगी को उन्होंने गुजारना शुरू किया। एज सोसाइटी इज ग्रो लार्जर एंड एज मैन बिकम मोर सिविलाइज, जैसे जैसे सोसाइटी मजीद बढ़ी, मैन मजीद सिविलाइज महजब होने लगे। मैनी मोर प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन डिवेलप, जो मजीद पेशे और मजीद काम तरक्की करने लगे या सामने आने लगे। लॉज वर मेड टू मेक लाइफ सेफर एंड हैप्पियर, जो कानून बनाए थे वो बने लाइफ को, जिंदगी को आसान और खुश करने के। टुडे वी हैव डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स, पुलिसमैन एंड अ होस्ट ऑफ अदर वर्कर्स। आज हमारे पास डॉक्टर, पुलिसमैन, असाज़ा, इंजीनियर और दूसरे कारकुनों का एक ढेर समझ है, हु ऑल डू समथिंग फॉर देयर फेलो मैन, जो कि अपने साथी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। इफ़ वी जस्ट थिंक फॉर अ फ्यू मिनट्स, अगर हम चंद मिनट के लिए सिर्फ ये गौर करें, हाउ मैनी थिंग्स एंड सर्विसेज वी यूज इन वन डे, कि एक दिन में हम कितनी खिदमात, कितनी चीज़ें हम एक दिन में हासिल करते हैं, वी शैल रियलाइज हाउ मच वी ओ टू सोसाइटी, तो हमें ये महसूस होगा या ये समझ में आएगा कि हमें सोसाइटी को कितना ओ करना है, यानी कितना अदा करना है वापस, कितने माशे के हम कितने फिर एहसान मंद होंगे कि उसने हमें इतनी चीज़ें दी कि हमें उसको फिर ओ करना चाहिए। द मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस एंड कीप कैटल फॉर द बेनिफिट ऑफ अस ऑल, दूध वाला दूध लेकर आता है हमारे लिए, इसके अलावा वो कैटल्स को, मवेशियों को पालता है हमारे फायदे के लिए। नेक्स्ट, द बेकर बेक्स द ब्रेड, नान भाई यानी कि जो रोटी बनाने वाले हैं वो रोटी बनाते हैं। द प्रिंटर प्रिंट्स आर बुक्स, जो प्रिंटर है वो बुक्स को प्रिंट करते हैं। द ड्राइवर ड्राइव्स द बस इन विच वी गो टू स्कूल और आवर प्लेस ऑफ वर्क, ड्राइवर बस चलाते हैं जिसकी वजह से हम स्कूल और अपने प्लेसेस जहां हमें काम के लिए जाना होता है वहां जा सकते हैं। एंड द वर्कर्स एंड इंजीनियर्स रन द मिल, इसके अलावा जो वर्कर्स हैं वो और इंजीनियर रन कर रहे हैं यहाँ पे, मिलों को चला रहे हैं। विच वेज द क्लॉथ वी वेयर, जहाँ पे ये कपड़े बनते हैं जो कि हम पहनते हैं। द टीचर टीचेस द पीपल्स एट ए स्कूल, बच्चों को स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं। द डॉक्टर ट्रीट्स द सिक एंड द शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, जो मरीज है उसका इलाज कर रहे हैं, इसके अलावा जो शॉपकीपर जो है वो सेल्स कर रहे हैं, जो हमारे डेली यूज के जो आर्टिकल्स चीज़ें हैं उसको सेल कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं। पब्लिक पार्क्स आर मेंटेन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सिटीजन, इसके अलावा जो पब्लिक पार्क्स हैं उनको भी मेंटेन तैयार किया गया है फायदे के लिए सिटीजन्स के। द ट्रैफिक पुलिस रेगुलेट द ट्रैफिक सो दैट वी मे ट्रैवल विदाउट एनी फियर एंड एक्सीडेंट, अब ट्रैफिक पुलिस के होने से ये होता है कि वो पूरा ट्रैफिक के निज़ाम को रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं, तो ट्रैफिक को जो कंट्रोल करते हैं जिसकी वजह से हम ट्रैवल सफ़र कर सकते हैं आसानी के साथ, बगैर किसी खौफ, बगैर किसी एक्सीडेंट के। वी जस्ट टर्न द टेप एंड फ्रेश वाटर फ्लोज आउट, हम सिर्फ नल घुमाते हैं और ताज़ा पानी आ जाता है। वी प्रेस अ स्विच एंड लाइट कम्स ऑन, हम सिर्फ बटन दबाते हैं और लाइट आती है। द क्लीनिंग ऑफ द स्ट्रीट्स एंड द रिमूवल ऑफ द फिल्थ एंड गार्बेज आर पॉसिबल ओनली इन ऑर्गेनाइज सोसाइटी, जो सफाई होती है गलियों की वो और गंदगी का जो ढेर होता है उसको हटाना सिर्फ मुमकिन है एक अच्छी, एक ऑर्गेनाइज मुनज्जम सोसाइटी में। द टेलीग्राफ द टेलीफोन एंड द ट्रेन आर ऑल बेनिफिट्स ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, इसके अलावा टेलीग्राफ, टेलीग्राम और ट्रेन जो है हमारे कलेक्टिवली यानी मुश्तरका बेनिफिट्स फायदे के लिए मौजूद है। देन द रेडियो एंड टीवी गिव अस बोथ, इसके अलावा टीवी रेडियो हमें दो चीज़ें देता है, इंजॉयमेंट भी एंड इंस्ट्रक्शन भी, यानी मज़ा भी देता है, लुत्फंदोज भी कराता है और इसके अलावा हिदायत भी देता है। वी मस्ट रीपे सोसाइटी फॉर ऑल दीज गिफ्ट्स, अब ये हमारा फर्ज बनता है कि जब सोसाइटी हमें इतनी चीज़ें दे रही तो हम भी उसको रीपे करें, उसको वापस कुछ अदा करें। इफ़ अ मिल्क मैन मिक्सेस वाटर इन द मिल्क, अगर एक दूध वाला पानी मिक्स करता है अपने दूध में, हाउ कैन ही एक्सपेक्ट अदर मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी टू ट्रीट हिम फेयरली, तो कैसे वो इस बात की तवक्को करता है कि दूसरे उसके साथ फेयरली यानी कि अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे, जब वो गलत ट्रीट कर रहा है तो उसके साथ ही अगला गलत ही ट्रीट करेगा।
इफ अ शॉपकीपर गिव शॉर्ट मेजर ऑफ सेल ऑफ सेल्स सब स्टैंडर्ड गुड्स, अगर एक शॉपकीपर जो सब स्टैंडर्ड की यानी कि नकारा खराब किस्म की चीज़ों को सेल कर रहा है, और तो वो कैसे अपनी जो गैर मियारी अशिया है वो फरोख्त कर रहा है और फिर उसके बाद वो चाह रहा है कि उसको दूसरों की तरफ से सही मिले, तो ये नामुमकिन बात है। ही मस्ट बी प्रिपेयर, उसे तैयार रहना होगा टू गेट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, वो उसको तैयार रहना चाहिए कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा। फ्रॉम अदर्स, इफ वी इग्नोर ट्रैफिक रूल्स, अगर हम ट्रैफिक के रूल्स को इग्नोर करते हैं, वी नॉट ओनली इन डेंजर द लाइव्स ऑफ अदर बट आवर ओन एज वेल, अगर हम ट्रैफिक के रूल को इग्नोर करेंगे तो ना सिर्फ दूसरे की जिंदगी बल्कि अपनी जिंदगी को भी खतरे में इंडेंजर डाल देंगे। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ एवरेज सिटीजन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फेसिंग हिज कंट्री, ये हर शहरी को समझना होगा, ये हर शहरी का फर्ज है कि वो इन मसाइल को समझे जो कि इसके मुल्क को दरपेश है और उसे हल करने के लिए हुकूमत का साथ दे। ही मस्ट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन सॉल्विंग दैम, प्रॉब्लम फेसिंग पाकिस्तान आर पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है गुरबत, नाख्वानदगी यानी तालीम की कमी, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ और बढ़ती हुई आबादी। फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बेटर सोसाइटी, एक अच्छा माशरा बनाने के लिए, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, दीज प्रॉब्लम हैव टू बी सॉल्व थ्रू प्रॉपर एजुकेशन एंड हार्डवर्क, हमें ये तमाम प्रॉब्लम हल करने होंगे एक बेहतरीन तालीम के साथ, सही तालीम और सख्त मेहनत के साथ। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत से प्रोग्राम शुरू किए इन प्रॉब्लम को हल करने के लिए। दीज आर जो के फॉर एग्जांपल ये हैं, प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सबसे पहले जो हमारे देहाती हैं उनकी तरक्की का प्रोग्राम, रूरल देहाती इनकी तरक्की का प्रोग्राम, लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन, इसके अलावा तालीम बालगा यानी कि जो अनपढ़ हैं जो नहीं पढ़ लिखे उनको पढ़ाना इसका, एंड एडल्ट एजुकेशन, और इसके अलावा हेल्थ सैनिटेशन, सेहत और सफाई के काम, एंड सोशल वेलफेयर और समाज बेहतर के काम, एंड पॉपुलेशन प्लानिंग, पॉपुलेशन यानी जो बढ़ती आबादी इसके लिए प्लानिंग, एजुकेशन सेंटर्स, फैमिली एंड सोशल वेलफेयर एंड पॉपुलेशन प्लानिंग सेंटर हैव बीन सेटअप थ्रू आउट द कंट्री। अब समाजी बहबूद और बहबूद आबादी और तालीमी मराकज़ वगैरह के जो मराकज़ हैं वो तमाम मुल्क में कायम कर दिए गए। मैनी बेनिफिट्स वी इंजॉय आर प्रोवाइडेड बाई आवर ओन कंट्री एंड सोसाइटी, बहुत से ऐसे जो काम हैं जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं हमारे माशरे और मुल्क की जानिब से हमें मिले हैं। इट इज़ देयरफॉर, इसी वजह से आवर ड्यूटी टू बी लॉयल एंड प्रोटेक्टेड एंड पैट्रियाटिक टू पाकिस्तान, इसी वजह से हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज है कि हम अपने मुल्क के साथ लॉयल, वफादार और पैट्रियाटिक मुहिब वतन रहें। वी शुड पे आवर टैक्सेस, हमें ज़रूर अदा करने होंगे अपने टैक्सेस प्रॉम्प्टली, फुल्ली एंड ऑनेस्टली, प्रॉम्प्टली मुकम्मल तौर पर, फुल्ली एंड ऑनेस्टली ईमानदारी, सो दैट वी मे कंटिन्यू, तो इस वजह से हम फिर उन चीज़ों से टू इंजॉय ऑल बेनिफिट्स, तो फिर हम उन चीज़ों से लुत्फ उठा सकेंगे जो फ़ायदे हमें सोसाइटी देती है। इस्लाम लेज ग्रेट स्ट्रेस ऑन आवर ड्यूटीज एज सिटीजन, हमारा प्यारा मजहब इस्लाम भी सबसे ज़्यादा एक अच्छे शहरी की जिम्मेदारियों पर जोर देता है। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वंस सेड, एक दफ़ा फरमाया, God lays so much stress on the rights of our neighbor. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो पड़ोसी हैं उनके हुकूक पे इतना ज़्यादा जोर दिया कि दैट आई ऑलमोस्ट थॉट, कि मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये सोचा कि दे वुड गेट द राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन आवर प्रॉपर्टी, कि कहीं अल्लाह इनको प्रॉपर्टी में हमारे साथ हिस्सेदारी यानी विरासत में हक दे देंगे। इन शॉर्ट मुख्तसरन ये, वी कैन नॉट बी गुड मुस्लिम, हम एक अच्छा मुसलमान नहीं बन सकते विदाउट बीइंग गुड एंड ड्यूटीफुल सिटीजन, जब तक कि हम एक अच्छे शहरी, एक अच्छे जिम्मेदार शहरी ना बन जाए हम एक अच्छा मुसलमान भी नहीं बन सकते। दैट्स ऑल, यानी यहाँ पे ये बताने का मकसद है कि एक अच्छा शहरी आप जब ही बन सकते हैं जब आप अपने मुल्क के साथ, अपने खानदान के साथ, अपने शहर के साथ वफादार होंगे और आप उनकी तरक्की के लिए काम करेंगे, अपने तमाम टैक्सेस अदा करेंगे। और इस्लाम भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देता है।
के हमारे पड़ोस, जब आप देखें कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं कि पड़ोसियों के लिए इतना ज़्यादा जोर दिया गया कि आपने उनसे इतना अच्छा सलूक करना है कि नबी को ऐसा लगा कि एक टाइम पे कि शायद उनको इनहेरिटेंस यानी कि आपकी विरासत में भी हिस्सा दे दिया जाए। मीन आप जैसे हम भाई बहनों का हिस्सा होता है इस तरह उनका हिस्सा भी हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं है, बट इतना ज़्यादा जोर देगी। तो इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस देने का मतलब ये है कि इस एज ए सिटीज़न आपको इतना ज़्यादा जिम्मेदार होना। That's all. Next is exercise. यहाँ पे आपको इन्होंने questions दिए हैं comprehension में, इसके short answer आपने देने। Where did man live in early days? इंसान कहाँ रहता था अपने early days में? In early days, man lived in caves. इंसान रहता था गारों में जब वो शुरू के दिनों में। यहाँ पे did use हो रहा है, ये आपको पता है कि जब भी हम डिट के साथ बात कर रहे हो तो हम फिर पास्ट में ही आंसर देंगे सेकेंड फॉर्म में, और अगर हम जुमले में डू या डज के साथ अगर पूछा जा रहा क्वेश्चन आपसे प्रेजेंट में तो आप प्रेजेंट में आंसर देंगे। तो आपने ये 10 क्वेश्चंस करने हैं, इसके बाद ये वर्ड्स मीनिंग है, इनको आपने अपने ओन सेंटेंसेस में विद मीनिंग इनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट है फ्रेम द सेंटेंस बाय यूजिंग डिफरेंट सेट्स इन दिस टेबल। इस टेबल के अकॉर्डिंग आपने 10 जुमले बनाने हैं। मैन यूज टू लिव इन केव्स, इंसान रहता था केव में गारों में। अब यहाँ पे यूज़ टू यूज़ हुआ है, यूज़ टू जो है ये जब भी यूज़ होता है ये पास्ट में ले जाता है सेंटेंस को, और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। यूज़ टू जब यूज़ होता है जब किसी चीज़ का आदि हो जाए, आदि होने के सेंस में यूज़ टू यूज़ होता है। नेक्स्ट है दे यूज़ टू हंट फॉर फूड, वो शिकार करते थे अपने खुराक के लिए। तो इस तरह आपने इसके 10 सेंटेंसेस बनाने। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। आपने ये जो दो दो सेंटेंसेस दिए हैं इनका डिफरेंस बताना है। अब यहाँ पे आपको मॉडल वर्ब इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, मे नॉट, कैन नॉट, मे और शुड, ये सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए हैं। तो अकॉर्डिंग इसके इसके डिफरेंस शो होते हैं। यू मे नॉट प्लक फ्लावर फ्रॉम आवर नेबर गार्डन्स, तुम नहीं तोड़ सकते हो हमारे नेबर के गार्डन से फ्लावर। यहाँ पे ये मुमकिन ही नहीं है, यहाँ पे मैं उस सेंस में यूज़ हुआ है कि ये काम मुमकिन ही नहीं है कि तुम ये कर सको कि ये तुम हमारे। दूसरा सेंटेंस है वी कैन नॉट प्लक फ्लावर फ्रॉम आवर नेबर गार्डन, हम नहीं तोड़ सकते हैं अपने नेबर के जो गार्डन से फ्लावर को। यानी यहाँ पे तो सिंपल बात कह रहा है हम नहीं कर सकते ये काम, मगर यहाँ मे नॉट गए कि मुमकिन ही नहीं है कि आप वहाँ से वो तोड़ सकें। नेक्स्ट है यू मे नॉट राइड माई हॉर्स, तुम नहीं कर सकते यानी ये मुमकिन ही नहीं कि तुम मेरे घोड़े की सवारी कर सको। यू कैन नॉट राइड माई हॉर्स, तुम नहीं कर सकते हो, सिंपल बात कह रहा है कि यू कैन नॉट राइड माई हॉर्स, तुम मेरे घोड़े की सवारी नहीं कर सकते। तो ये इसके डिफरेंसेज हैं। शुड आ जाए तो शुड हमेशा सकता कि जो काम हो सकता है के सेंस में यानी होगा उस सेंस में जा रहा हो, तो जब हम शुड यूज़ करते हैं यानी कि वो काम हुआ नहीं है बट हो सकता है। The traders should give the customers their money's worth. जो ताजिर है उसको ज़रूर देना होगा अपने कस्टमर को, उसकी जो मनी की वर्थ कीमत है उसके हिसाब से ही उसको पे करना होगा। The traders could give the customers their money's worth. ताजिर को चाहिए कि वो उसको दे। कुड जब भी यूज़ होता है वो पास्ट के सेंस में यूज़ होता है कि ये काम हो सकता है कि हो सकता था यानी कि उस सेंस में यूज़ होता है, और शुड जब यूज़ होता है हो सकता होगा के सेंस में यूज़ होता है। वी शुड हेल्प इन कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी, हमें ज़रूर लॉ एंड ऑर्डर को सिटी में राइज करने के लिए मदद करनी होगी। वी कुड हेल्प इन कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, हमें करना होगा सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मस्ट हेल्प करना होगा उसको कायम करने के लिए। इसके बाद है फिल इन द राइट लेटर्स टू कम्प्लीट द वर्ड्स, ये वर्ड्स कम्प्लीट करने हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। एनी डैश डैश एच बी डैश डैश आर, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कोई वर्ड मुश्किल नहीं है इसमें, अकॉर्डिंग बुक ये तमाम वर्ड्स हैं, तो ये आपने फिल करने हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोफेशंस ऑफ द फॉलोइंग, आपने इनके प्रोफेशंस बताने। कॉबलर, हु इज कॉबलर, द पर्सन हु मेंड शूज, और फार्मर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ये लोग कौन है, पर्सन वाइज आपने बताना है कि क्या काम करते हैं। नेक्स्ट है इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क समवन द टाइम व्हाट विल यू से,
ये तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर आप किसी से ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है कि आपने अगर किसी से टाइम पूछा है तो आप क्या कहेंगे, व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हो रहा है। यू वॉन्ट टू बोरो अ पेंसिल फ्रॉम योर फ्रेंड, हाउ विल यू डू इट, तो आप कैसे अपने दोस्त से पेंसिल आप लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल। कंपोजिशन, इसके बाद आपको राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 10 लाइंस ऑन द ड्यूटी ऑफ गुड सिटीजन, आपको 10 लाइंस लिखनी है ड्यूटी ऑफ गुड सिटीजन पे। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 वर्ड्स टू शो द बेनिफिट्स सोसाइटी गिव अस, आपने जो सोसाइटी हमें फ़ायदे देती है उसके बारे में 100 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद है कंस्ट्रक्ट 10 सेंटेंसेज यूजिंग लेट, लेट के साथ आपने 10 सेंटेंसेज लिखने हैं जो पैसिव वॉइस बने हुए होते हैं। लेट अस रीड अ स्टोरी, लेट द चिल्ड्रन प्ले, चलो बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। आपने इस तरह के लेट वाले, जैसे लेट ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलते हैं, इस टाइप के आपने 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। नाउ स्टूडेंट, दिस इज हार्ड कॉपी ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट यू मेक अ टाइटल पेज, देन यू स्टार्ट योर वर्क। हेयर इज वर्ड्स मीनिंग, नंबर वन इज एक्सीडेंट मिसहैप हादसा, एडल्ट ग्रोन अप बाल्य, बेनिफिट प्रॉफिट फ़ायदा फ़ायदा उठाना, सिविलाइज्ड कल्चर महज़ब, कॉपरेट वर्क विद ताउन करना, ड्यूटी ऑब्लिगेशन फ़र्ज, इन डेंजर जेपरडाइज खतरे में डालना, फियर अलार्म खौफ डरना, गार्बेज रबिश कचरा, इनहेरिटेंस हेरिडिटी विरासत, इलिटरेसी इन एबिलिटी टू रीड और राइट नौखवानदा, पेट्रियाटिक नेशनलिस्टिक मुहिब वतन, प्रॉम्प्टली इमीजिएटली फ़ौरन, रिमूवल डिटैचमेंट अलैदगी, रूरल रस्टिक देहाती, स्ट्रेस एम्फसाइज जोर देना, ट्रीट मेडिकेट इलाज करना, वीवर वन हु वेव्स जुलाहा, वेलफेयर रिलीफ बहबूद, सोशल गुड नेचर मिलनसार, ऑक्यूपेशन प्रोफेशन पेशा, सेविज अनकल्चर्ड गैर महज़ब। नेक्स्ट, ये इसका एक छोटा सा समरी निकाल दिया मैंने कि आपको और आसानी हो जाए समझने में। वैसे तो आप रीडिंग और ट्रांसलेशन सुन चुकी हैं, बट ये आपके और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा इसका खुलासा बता दिए गए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर, नंबर वन, हु वर सेविज, थाउजेंड ऑफ ईयर अगो मैन लिव्ड इन केव्स लाइक एनिमल, हज़ारों साल पहले लोग रहते थे केव्स में, गार में, जैसे कि जानवर, दे आर नाउ कॉल्ड सेविजेस, या आज कहलाते हैं गैर महज़ब या जंगली, ईच वन ऑफ देम लिव बाय हिमसेल्फ, दे हंटेड फॉर देयर फूड एंड लिव्ड हार्ड लाइफ, हर एक अपने लिए ही मतलब करता था काम और अपने लिए ही कमाता था, और यानी हर एक तन्हा रहता था और हर एक अपने लिए खुद ही शिकार करता था और हार्ड लाइफ जिंदगी, सख्त ज़िंदगी गुजारते थे। What happened when societies grew larger? जैसे societies grew हुई, बड़ी बढ़ने लगी या बड़ी होने लगी, तो क्या चीज़ें, क्या सोसाइटी को क्या हुआ, फिर उसके साथ सोसाइटी में क्या हुआ। When societies grew larger, men become more civilized. पहले तो लोग घरों में रहते थे, मगर जब मज़ीद सिविलाइज्ड हुए लोग, ऐसा ऐसा उनको चीज़ें समझ में आने लगी, तो many more occupation professions develop. तो मज़ीद प्रोफेशन पेशे और पेशे सामने आने लगे, डेवलप यानी कि तरक्की करने लगे। लॉज आर मेड टू मेक लाइफ सेफर एंड हैप्पियर, और कानून बन गए जिन्होंने ज़िंदगी को सेफ और खुश बना दिया था। व्हाट इज़ आवर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर कंट्री, हमारी क्या ड्यूटी है, हमारा क्या फ़र्ज़ है अपने मुल्क की तरफ। इट इज़ आवर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फेसिंग आवर कंट्री, सबसे पहली ड्यूटी हमारी ये है कि हमें ये समझना होगा कि हमारी कंट्री को क्या प्रॉब्लम फेस करने हैं, एंड वी मस्ट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, और हमें ज़रूर गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, ताउन करना पड़ेगा इन सॉल्विंग देम, इन केसेस को हल करने के लिए। वी शुड बी लॉयल, हमें वफादार होना होगा, एंड पैट्रियाटिक और मुहब्ब वतन होना होगा टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ। वी शुड पे आवर टैक्सेस प्रॉम्प्टली फुल्ली एंड ऑनेस्टली, हमें ज़रूर अपने टैक्सेस मुकम्मल ईमानदारी के साथ पूरे अदा करने होंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द प्रॉब्लम फेसिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान कौन से प्रॉब्लम है जो फेस कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम फेसिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान बहुत से प्रॉब्लम फेस कर रहा है। द मेन प्रॉब्लम फेसिंग पाकिस्तान आर पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे जो मेन प्रॉब्लम है गुरबत, नाख्वानदगी और पॉपुलेशन की ग्रोथ है जो बढ़ रही है, बढ़ती आबादी।
दीज प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू प्रॉपर एजुकेशन एंड हार्ड वर्क। और ये प्रॉब्लम हल की जा सकती हैं एक सही तरह से प्रॉपर तालीम के ज़रिए और सख्त मेहनत के ज़रिए। हाउ इम्पॉर्टेंट आर आर नेबर टू अस, हमारे लिए हमारे नेबर इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? अकॉर्डिंग टू आर होली प्रॉफिट हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नेबर हमारे लिए इतने अहम क्यों हैं? इस्लाम कॉल्स फॉर गुड ट्रीटमेंट विद आवर नेबर। इस्लाम कहता है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक रखो। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वंस सेड, एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गॉड लेज सो मच स्ट्रेस ऑन द राइट्स ऑफ आवर नेबर। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है राइट्स हुकूक पे पड़ोसियों के। दैट आई ऑलमोस्ट थॉट, तो मैंने ये सोचा कि दे वुड गेट द राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन आवर प्रॉपर्टी, के इनको हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा भी दे दिया जाएगा। यानी नबी ने कहा कि इतना ज़्यादा इस स्ट्रेस दिया इस चीज़ पे कि पड़ोसियों का ख्याल रखा जाए, कि नबी को ऐसा लगा एक दफ़ा कि कहीं अल्लाह ताला ये कानून बना दें कि अपनी प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा रखें जैसे आप अपने भाई का रखते हैं। वी शुड बी वेरी गुड टू आवर नेबर, हमें अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा सलूक करना होगा। What programs has the government started to solve the problem facing Pakistan? क्या प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं पाकिस्तान जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उसको सॉल्व करने के लिए? The government has started program for rural development. गवर्नमेंट ने एक तो प्रोग्राम शुरू किया देहातियों की डेवलपमेंट का, तरक्की का, लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन, इसके अलावा ख्वानदगी और जो तालीम बालगा उसका, और एजुकेशन एडल्ट एजुकेशन को शुरू किया है, हेल्थ सैनिटेशन सफाई का एंड सोशल वेलफेयर का एंड पॉपुलेशन प्लानिंग का। इसके अलावा सफाई के लिए, सेहत व सफाई के लिए और वेलफेयर के सोशल वेलफेयर सोशल फलाही इदारे कायम किए एंड पॉपुलेशन प्लानिंग, इसके अलावा जो आबादी कंट्रोल करते हैं उसके इदारे कायम किए हैं, एजुकेशन सेंटर्स फैमिली एंड सोशल वेलफेयर एंड पॉपुलेशन प्लानिंग सेंटर हैव बीन सेट अप थ्रू आउट द सिटी और थ्रू आउट द कंट्री। और गवर्नमेंट ने इनके लिए इदारे कायम किए हैं सोशल हमारी जो सोशल वेलफेयर है उसके लिए, पॉपुलेशन प्लानिंग को कंट्रोल करने के लिए, इन सब के लिए गवर्नमेंट ने सेंटर्स वगैरह पूरी कंट्री में इस मकसद के लिए तामीर किए हैं। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इस्लाम लेज ग्रेट स्ट्रेस ऑन आवर ड्यूटीज एज सिटीजन। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वंस सेड, गॉड लेज सो मच स्ट्रेस ऑन द राइट्स ऑफ नेबर दैट आई ऑलमोस्ट थॉट दे वुड गेट द राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन आवर प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट, वी कैन नॉट बी गुड मुस्लिम विदाउट बींग गुड एंड ड्यूटीफुल सिटीजन। अब ये एक पैरा आपके बुक से इस चैप्टर का लिया गया और अकॉर्डिंग इससे आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। नेम ऑफ लेसन, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। व्हाट डज गॉड स्ट्रेस ऑन द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी राइट ऑफ इन नेबर्स। अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा जो पड़ोसियों के हुकूक है उसमें इतना स्ट्रेस क्यों दिया, इतना जोर क्यों दिया? अकॉर्डिंग टू आवर बिलव प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गॉड स्ट्रेस ऑन द राइट ऑफ आवर नेबर, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है हुकूक पे नेबर के पड़ोसियों के, सो मच सो दैट बेस्ट नेबर शुड गेट हिज राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन आवर प्रॉपर्टी। यानी इतना ज़्यादा जोर दिया कि एक अच्छा पड़ोसी अगर आपका होगा तो वो आपकी जायदाद या आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सादार भी हो सकता है, इतना ज़्यादा जोर दिया। नंबर 3, हाउ कैन बी अ मुस्लिम अ गुड सिटीजन, कैसे एक मुसलमान एक अच्छा शहरी बन सकता है? अ मुस्लिम कैन नॉट बी अ गुड सिटीजन, एक मुसलमान जो है वो अच्छा नहीं बन सकता एक अच्छा शहरी विदाउट बींग अ ड्यूटीफुल, जब तक कि वो ड्यूटीफुल और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, जब तक कि वो एक ईमानदार और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार किस्म का शहरी ना बन जाए, जब तक वो एक अच्छा मुसलमान भी नहीं बन सकता। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट, द अर्लियर मैन लिव्ड बाय हिमसेल्फ एंड फॉर हिमसेल्फ, शुरू के जो लोग थे वो अपने लिए तनतनहा रहते थे। एज सोसाइटीज ग्रू लार्जर, जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती गई, एंड मैन बिकम मोर सिविलाइज, इंसान मजीद महजब होता गया, न्यू प्रोफेशन डेवलप, नए पेशे तरक्की करने लगे,
लॉज वर मेड टू सेव गार्ड पीपल, कानून बन गए जो लोगों की हिफाजत के लिए. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ आवर एवरी सिटीजन टू वर्क ऑनेस्टली, और ये अब हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से काम करें. इफ समवन इज डिसऑनेस्ट, अगर एक शख्स बेईमानी कर रहा है, ही टीचेस अदर, तो वो दूसरे को भी यही सिखा रहा है कि टू बी डिसऑनेस्ट वी गेट द सेम ट्रीटमेंट. तो वो दूसरे को भी यही सिखा रहा है कि वो भी बेईमानी करे, क्योंकि हमें सेम ट्रीटमेंट, हमारे साथ भी वैसे ही होगा जैसा हम करेंगे. फ्रॉम अदर एज यू ट्रीट देम, जैसे हम उनके साथ करेंगे. द मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री आर पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. पाकिस्तान की जो मेन प्रॉब्लम है वो पॉवर्टी, गुरबत, नाख्वानदगी और आबादी का बढ़ना है. वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू प्रॉपर एजुकेशन, हम इसको हल कर सकते हैं प्रॉपर एजुकेशन के जरिए और हार्ड वर्क के जरिए. वी कैन नॉट बी गुड मुस्लिम, हम एक अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते विदाउट बींग अ गुड एंड ड्यूटिफुल सिटीजन, जब तक कि हम एक ईमानदार और एक अच्छे शहरी ना बन जाए. वी शुड बी लॉयल, हमें ज़रूर वफादार होना होगा और पेट्रियाटिक, मुहिब वतन होना होगा पाकिस्तान के साथ. वी शुड ऑल्सो बी गुड टू आवर नेबर, और इसके अलावा हमें अपने नेबर के साथ भी बहुत अच्छे से रहना होगा. नेक्स्ट है MCQs. डैश आर मेड टू मेक लाइफ सेफर एंड हैप्पियर, क्या चीज़ लाइफ को सेफ और हैप्पी करती है? स्कूल्स, लॉज, फैमिलीज. थाउजेंड ऑफ ईयर अगो मैन लिव्ड इन अ केव, वी नाउ कॉल देम, जो हज़ारों साल पहले लोग केव में रहते थे उनको अब हम क्या कहते हैं? एंशियंट पीपल, सैवेजेस, हिस्टोरियंस. अ पैट्रियाट इज़ वन हु लव हिज डैश, पैट्रियाट वो शख्स हैं जो मोहब्बत करता है अपने डैश से, पेरेंट्स से, कंट्री से या रिलेटिव से. वी कैन नॉट बी गुड मुस्लिम विदाउट बींग गुड एंड डैश सिटीजन, हम अच्छा मुसलमान नहीं बन सकते जब तक कि हम अच्छे डैश ना बन जाए, अच्छे डैश शहरी ना बन जाए, हैप्पी, ड्यूटीफुल या फैमिली. थाउजेंड ऑफ ईयर अगो मैन लिव्ड इन डैश, हज़ारों साल पहले इंसान कहाँ रहता था? टेंट्स, केव्स, हट्स. इफ़ वी इग्नोर ट्रैफिक रूल्स, वी नॉट ओनली द लाइव्स ऑफ अदर बट वन बट आर एज वेल, अगर हम ट्रैफिक के रूल्स को इग्नोर करेंगे तो ना सिर्फ दूसरे की ज़िंदगी बल्कि अपनी भी खतरे में डाल देंगे. इन डेंजर, इन रिच या इन स्लेव. द क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट एंड रिमूवल ऑफ फिल्थ एंड डैश आर पॉसिबल इन एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी, एक अच्छी जो एक साफ सुथरी जो सड़क, स्ट्रीट है, गली है, और जो गंदगी, रिमूवल ऑफ द फिल्थ है एंड डैश, यही चीज़ें अगर गंदगी को साफ किया जाए और एक साफ़ सुथरी हमारी स्ट्रीट्स हों, अगर हमारी गलियां साफ हों और हम गंदगी को हटा दें, तो यही चीज़ पॉसिबल है कि मुमकिन करती है एक मुनज़्ज़म सोसाइटी को. रबिश, थ्रैश, कैबेज. इफ़ अ शॉपकीपर गिव्स शॉर्ट मेजर और सेल्स सब स्टैंडर्ड गुड्स, he must be prepared to get the same kind of dash. अगर shopkeeper अपनी चीज़ों में जो बेच रहा है उसमें चीज़ें standard की नहीं बेचेगा तो उसको फिर तैयार रहना चाहिए कि उसके साथ भी इसी तरह होगा. treatment, punishment, kindness. one of the responsibilities of a citizen is dash. एक responsibility एक शहरी की ये है कि to pay taxes, to play games, to become a leader. the radio and TV give us both enjoyment. radio और TV हमें दो किस्म के enjoyment देते हैं, इंजॉयमेंट और डैश देते हैं. प्लेजर, नॉलेज या इंस्ट्रक्शन. प्रॉब्लम फेसिंग पाकिस्तान आर पॉवर्टी, लिटरेसी एंड पॉपुलेशन डैश, ग्रोथ, बॉम्ब या स्पॉट. इस्लाम लेस ग्रेट स्ट्रेस ऑन आवर डैश एज सिटीजन, इस्लाम बहुत ज़्यादा अहमियत देता है एज ए सिटीजन हम पर, किस चीज़ के लिए? ड्यूटीज़ के लिए, राइट्स के लिए, एफर्ट्स के लिए. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam thought that our neighbor would get the dash of inheritance. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam ne socha tha ki jitna stress Allah de rahe hain to kahin ye inheritance mein virasat mein hissa hi na de dein. Dash, right, share, percentage. It is also the duty of every citizen to understand the dash facing his country. ye har shahri ki zimmedari ki us samjhe ki uske mulk ko kya pareshani hai. problem, situation, hardship. वी ओ वेरी मच टू सोसाइटी, हमें बहुत ज़्यादा अदा करना है सोसाइटी की तरफ. सो वी मस्ट डैश सोसाइटी फॉर ऑल दीज गिफ्ट, तो हमें चाहिए कि हम तमाम चीज़ें हम सोसाइटी को वापस दें, रीपे करें, गिव करें या बैक करें. दैट्स ऑल. अल्लाह हाफिज़.